अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? टिकटॉक है मुझे टिकटॉक के लाइक तो कम से हम भी देखें। और आज हम जो जा रहा है कुरान पाक पढ़ने के लिए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो वही उसको कुछ ना करो, हम वो टोकन है उसके पैसे मिलेंगे, फिर रख दो इसको, इसको ना धो लो, धो लेना ये, फिर वापस करेंगे। ये 100 रुपये का टोकन है, जो पेंट होता है ना ब्रेटो का, उसमें टोकन होता है कैश, कैश टोकन, वो फिर रिटर्न करो ना, फिर पैसे देते हैं उसके जो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो फेंक दो, कवर है वो। तो इसको जो है ना हम करेंगे, ये जो छोटी बाल्टी होती है ना इसके अंदर 100 रुपये का होता है, और जो बड़ा बड़ी गर्मी होती है ना उसके अंदर 500 रुपये का होता है ब्रेडो के अंदर। किसी किसी को नहीं होता मालूम, तो मैंने आपको सब बता दिया, हालांकि ये चीज़ें बताने की नहीं होती, जो रंग वाले होते हैं ना वो नहीं बताते किसी को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मुँह देखो, मुँह देखो उसका, तुतड़ी बनाई है, तुतड़ी इसने। इसको आग तो कौवों ने क्या कर दिया। हाँ ऊपर बैठते हैं ना, पानी पीते हैं यहाँ पे आगे, वो पानी पानी वाली कुनिया हमारे पास पड़ी छोटी छोटी, वो पानी भर कर रख दिया करो इधर दीवार के ऊपर, वो पियेंगे परिंदे। मैंने ना वो पानी पानी भरने के लिए ना परिंदों के लिए वो ऐसे छोटे छोटे लिए थे वो बर्तन, ये देखें, ये जो है ना वो, ये जो है घर में तोते वगैरह पालते हैं ना, ये उसके लिए होता है। वैसे तो मैंने वैसे ले लिया था, एक और था हमारे पास, वो कटोरी थी परिंदों को पानी पीने के लिए, ये है ये, इसके अंदर जो है ना परिंदों के लिए पानी भर के रखते हैं। लेकिन हमारे पास तो परिंदे हैं नहीं, लेकिन हम जो है ना वो दूसरे जो परिंदे होते हैं ना उड़ रहे होते हैं इधर उधर, आवारा परिंदे, उनको हमें डाल देंगे, उनको उनके लिए पानी। तो अम्मी जान यहाँ पे जो है ना आलू वगैरह बना रही हैं, इनको भूख लगी हुई है मेरे ख्याल में, जल्दी जल्दी बना रही हैं, इनको नहीं समझ लग रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। अम्मा क्या रखना मैं बड़े से। हाँ जी हाँ जी, सब्जी बना रहे हैं जी, सब्जी बना रहे हैं। बाकी तो टैंकी भी अभी फुल होना शुरू हो चुकी है हमारी, तो मैं जा रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ शहर, आप इस्लाम कर दें। जूते पहनो, जूते पहनो, जूते पहनो, जूता वो नया नहीं पहन रहा, देख लो क्यों, दूसरा नीचे पड़ा वो उठा के लेके आएगा, कोई हाल नहीं इसका। चलें कोई बात नहीं, ये लीडो स्पोर ड्रॉप क्यों गिरा दिया इधर, ऑटो स्पोर एक ही चीज़ होती है, ऑटो स्पोर, लीडो स्पोर, डर्मो स्पोर एक ही चीज़ होती है सारी। इसको रख दो ना, ये काम आएगा, फिर कभी इन्फेक्शन वगैरह कान में दर्द वगैरह पड़ जाता है तो ये जो है ना काफ़ी अच्छा होता है दर्द वगैरह के लिए और इन्फेक्शन वगैरह के लिए। तो मैं जा रहा था ये शहर, कोई चीज़ लेनी है शहर से, प्याज तो यहाँ से ले दो, अभी हम बनाएंगे। मैं आ जाता हूँ कुछ देर तक ना। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना आए हुए हैं जी तबलीगी जमात वाले, तो यहाँ पे जो है ना इनके बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं आया था यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए, जो आपको पता है मैं आता हूँ ना अक्सर, हर रोज आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने देखा बाहर बाबा जी सारे बाबे ना खड़े हुए थे तबलीगी जमात वाले, तो मैंने कहा देखते हैं जी क्या इनका है ना सामान वगैरह, सामान वगैरह पड़ा होगा, अंदर सोते हैं यहाँ पे और नमाज भी ना पान होती है यहाँ पे पढ़ते हैं, और साथ जो बस्ती है ना वहाँ पे तबलीग भी करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, और वो भाई जो है ना वो जा रहे हैं कूलर अपना लेके, कपड़े वगैरह वहाँ धुले हुए हैं इनके माशाल्लाह। क्योंकि सहूलियात तो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो मतलब कोई आता है ना बंदा बाहर का उसके लिए, तो भाई जो है ना वो बना रहे हैं आटा वगैरह अपना, तो यहाँ पे पानी वगैरह का सिस्टम है पड़ा, तो मैंने उस आशा पे पूछते हैं अभी कि पानी वगैरह है पड़ा ऊपर, पानी है ना, पानी है ना, क्योंकि इनको ना हर चीज़ ना अवेलेबल होनी चाहिए ना इनके लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना, सोलर लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, तो इनसे पूछ लीजिएगा अगर किसी चीज़ की जरूरत हो ना, तो फिर हम हाजिर हैं किसी भी चीज़ की। हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कोई चीज़ की जरूरत हो ना आप बताइएगा, ठीक है ना, पानी वगैरह की कोई चीज़ ज़रूरत ना हो तो साजी को बता दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा आप, ठीक है ना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक। हाँ जी, हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी चलो बेटा पढ़ो, शाबाश। चलें जी पढ़े पढ़े, शाबाश। क्या क्या लेना है? प्याज, नमक और धनिया। पहले क्या कहा है? लून ते वसल। कौन कौन इन्हें कहते हैं लून टे वसल? प्याज को हम कहते हैं वसल, नमक को हम कहते हैं लून सलेकी में। अजीब ही हो गया। लून वसल,
हर किसी की अपनी जबान होती है। अच्छा पंजाबी में क्या कहते हैं, गंडे? हाँ। गंडे जी, गंडे गंडे या गुंडे? गंडे और नमक को लून कहते हैं। नमक को नमक नमक कहते हैं। लून लई आवी नमक लई आवी नमक नहीं कहते। नमक कहते हैं यार, लून हम सराकी में कहते हैं, पंजाबी में नमक नहीं नमक कहते हैं। और हमारी अम्मी जान कह रही हैं कि अल्लाह पाक ने ना गिंदी पहनी हुई है, गिंदी पहनी हुई है। चलें जी, मैं गया था शहर और मैं अपना बटवा जो है घर भूल गया था। मैं क्या था प्याज लेने के लिए शहर से और सर्फ लेने के लिए, वहां पे पहुंचा तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कहाँ से लेता। फिर वापस आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्याज लेने के लिए। ये हालात है। धनिया ये जो खड़ी हुई ये किस काम आएगी? रात मैंने ख्वाब देखा है कि बड़ी बड़ी धनिया थी। हाँ ये क्या सीन है फिर? पता नहीं जी। इसको बकरियों को जी लग गई है यहाँ पे गर्मी, और ये जो है नहा रही हैं यहाँ पानी के अंदर। ये देखें ये बैठी हुई हैं, ये नहा रही हैं जी पानी के अंदर। ये हालात हैं इनके, इंसान सर्दी से ठठर रहे हैं और ये नहा रही हैं पानी के अंदर। ये देखें ये नहा के बैठी हुई हैं ऊपर, ये चेक करें, ये अभी आपने आपको सुखा रही हैं। अभी जी हम पहुंचे हैं जो हमने नलका लगवाया था ना, ये नलका है, ये मुकम्मल हो चुका है। इसकी हत्ती जो है ना, हत्ती आपके पास है ना? हाँ, वो अंदर इनके पास है। तो हत्ती उतार दी हमने ताकि बच्चे जो है ना इसको चलाएं ना और ये हिल ना जाए यहाँ से। तो बाकी ये मुकम्मल हो चुका है, खुरा वगैरह इसका और टाइल लग गई है। ये हमारे अंकल जी थे अजायब अली, ये फौत हो चुके हैं। इनके जो वो थे ना बुज़ुर्ग जो ताहयात हैं, हमारे अंकल जी अंकल खालिद थे, उन्होंने हमें कुछ डोनेशन दी और उन्होंने कहा कि आप जो है ना बेवा औरतों में और गरीब फैमिली में नलके लगवा के दें हमें, तीन नलके। तो एक तो हमने लगवा दिया इधर, एक और भी बेवा है उसके यहाँ लगवाया, एक और जो है ना गरीब फैमिली थी उसके पास लगवा दिया। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ प्लेट लगी हुई है, उन्होंने कहा प्लेट लगवानी है, आपने प्लेट लगवा दी है। तो ये जो है ना हमारे सिस्टर, ये इनके हस्बैंड फौत हो चुके हैं, ये इनके बच्चे हैं, दो बेटियां हैं और दो जो है ना बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा ये है, उससे छोटी वो है, फिर छोटी वो है, उससे छोटा वो बेटा है फिर से। तो बाकी वो जो बच्चा खड़ा है ना वो किसी और के हैं। तो अभी आप खुश हैं बाजी? बाजी मैं आपको हूँ बाजी, आप खुश हैं ना? नलका लग गया आपका, ठीक है? हाँ, तो आपने दुआ करनी है इनके लिए जो ये फौत हो चुके हैं, इनके लिए, इनकी मगफरत के लिए, और जो हमारे अंकल जी जिन्होंने भेजे हैं पैसे आपके लिए नलके के लिए, तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी फैमिली की सेहत याबी के लिए, उनकी घर वाले की सेहत याबी के लिए, ठीक है ना? दुआ लाजमी करनी है आपने, ठीक है? बच्चों आपने भी दुआ करनी है, ठीक है? आपने भी दुआ करनी है, बच्चों ने भी दुआ करनी है, बच्चों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है आपको पता है। तो आप सबने दुआ लाजमी करनी है, ठीक है जी? ये आपके हवाले है अभी नलका, और आपने जो है ना इसको चलाना है, लेकिन इसको पानी लगाना है आपने ताकि इसके ये जो है ना मज़बूत हो जाए, ठीक है ना? तो फिर आपने जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, एहतियात करनी है बस, फिर चलता रहेगा, ठीक है ना? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूरज भी प्यारा है और कबूतर भी प्यारे लग रहे हैं। देखें सूरज के साथ साथ ही उड़ रहे हैं। आज अब भी सूरज निकला है, पूरा दिन सूरज नहीं निकला, यकीन करेंगे आप? पता नहीं कितना दिन और सर्दी और आएगी, समझ नहीं लग रही कोई। ओ ये फट गए हैं, साइड पे हो गए हैं, लगता है मामू वालों के हैं ये, वो हैं हामिद के कबूतर, हामिद के हैं, उधर गए हैं वो पीरों के तो ये है ना, वो हामिद के उधर गए हैं, उधर चले गए हैं। हाँ आ जाते हैं ना यहाँ पे, इधर मिलते हैं फिर उधर चले जाते हैं, वो उड़ाता है ना। उसके साथ मिलते नहीं जाते। नहीं, मिलते नहीं है, मतलब वो ये कह रहा है कि मिल के वो खेत तो नहीं जाते, वो पकड़ते हैं ना एक दूसरे के कबूतर, वो मिला के फिर वो कबूतर जो चले जाते हैं मिल के एक दूसरे के साथ, वैसे जो है ना नहीं करते ये। हाँ उन्हीं को पता होता है हम इधर के हैं वो इधर के हैं। हाँ जी उनको पता है ना, इसलिए तो नहीं मिलते वो। ए इसको मैंने कहा नमक लेके आओ, साथ ही दुकान है, पर इधर गया, इधर पता नहीं क्या करने गया है।
कोई हाल नहीं इसका, पहले दो बंदे लेके जाएगा साथ, आता है पूछता हूँ इससे मैं। अच्छा क्या होती है फिर वो? वो होती है छोटी सी जो गोली नहीं आती ऐसे गोल गोल। हाँ वो खाई थी फिर? हाँ। वे उल्टी क्यों आ रही है आपको फिर, नींद आई हुई है क्या? दिल में डर क्यों चला गया है आपके? दिल के कहते हैं दिल, दिल में डर बढ़ गया, दिल में डर बढ़ गया, किस चीज का डर बढ़ गया आपको दिल में? उल्टी आती है फिर? डर किस चीज का डर पड़ गया आपके दिल में? क्या देखा है आपने? खून आ गया ना मुझे फिर डर गया। क्यों खून आ गया तो फिर क्या हो गया फिर? हाँ जो बड़े, जो बड़े बंदे होते हैं ना उनको खून तो आ जाते हैं, फिर इसमें क्या है? हाँ चोट लग जाती होती है, आप तो बड़े बच्चे हो ना, फिर आपको चोट लग गई है तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होता, बड़े बंदे होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं। आप तो माशाल्लाह भले बंदे हो, आप छोटे बच्चे तो नहीं हो। हाँ आप तो बर्दाश्त कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ बर्दाश्त। इसने पता है जी क्या किया है प्यारे भाइयों, इसने ना ये पड़ी हुई है जी, दरभा पड़ा हुआ है, ये घास होती है वैसे, इसका ना ये तीखा होता है बहुत, अगर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे ना तो फिर हाथ पे ना इधर उधर चीर लग जाएंगे इसके, तो इसने ना हमने पता है क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे खींचा है और इसके हाथ पे लग गई है चोट, तो फिर खून था इसके हाथ में ना, इधर देखें ये हल्की सी चोट लगी है इसके हाथ में, तो इस पे ना खून था इसका, तो फिर कहता है कि जी मेरे अंदर डर बढ़ गया है, डर बढ़ गया है, इधर आओ मुझे भाग नहीं पाओ वाला डर, डर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है चलो आ जाओ। चलें जी अभी हम देखें, देखिएगा अभी हम ना भाग नहीं पा रहे हैं जी, अभी देखें डर खत्म हो गया ना, डर है अभी, डर है अभी नहीं है, हाँ डर नहीं है, खत्म हो जाएगा डर अभी। मैं अरहम को ना सिरप भी पिलाता हूँ, फिर इसका डर और भी खत्म हो जाएगा, सिरप, सिरप जो है ना वो बंदे को बड़ा बना देती है, सिरप डर खत्म करवा देती है बंदे का डर, वो मैदे की सिरप होती है, उल्टी भी नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है? आपने अगर सोना है तो सो जाओ, नींद कर जाओ आप, आपको मैं बिस्तर लगा देता हूँ, आप सो जाओ, मुझे लगता है आपको नींद आई हुई है। हाँ पानी 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 रख के आए थे हम, पानी इधर जो है ना ये देखें जी, पानी जो है ना शू शू कर रहा है, लगता है पानी ज़्यादा गर्म हो गया हमारा, आपने भी याद नहीं दिलवाया फिर, हाँ सारा पानी गर्म हो गया हमारा ज़्यादा, अब इसको फिर ठंडा करना पड़ेगा हमें, है ना? अभी डर है? अच्छा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको जी डर बढ़ गया है जी। कुछ कुछ डर है इसका, कुछ कुछ जो नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में इसने ना पापड़ वगैरह खाया है, इसका मैदा खराब हो गया, इस वजह से ना इसको उल्टी आ रही है, ये ना पापड़ वगैरह नहीं खा सकता, इसको हम खिलाते भी नहीं हैं और इसको सख्ती से मना भी है, हम मैं रोकता हूँ पापड़ नहीं खाना पापड़, क्योंकि आपको पता है निरी एक बीमारी है पापड़, उसमें सिर्फ मुँह का जायका है, बाकी अंदर जाकर बर्बाद कर देते हैं बंदे को, चटपटे मिसाले होते हैं उसके अंदर, वो सिर्फ बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रोकते हैं, ये जब पापड़ खा लेता है ना फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसका ना मैदा खराब हो जाता है और उल्टी करना शुरू कर देता है ये, तो अभी जो है ना इसको हम जो है वो देंगे मैदे की दवाई, सिरप पिलाएंगे इसको, तो फिर जो है ना इसको ये ठीक हो जाएगा, इसकी उल्टी वगैरह ख़त्म हो जाएगी, हम इसकी सिरप पड़ी हुई है हमारे पास मैदे की ना, इधर भी पड़ी हुई हैं ये देखें ब्रोनेक्स, ये ब्रोनेक्स पड़ी हुई हैं दो जी, और यहाँ पे बुखार की एरिनेक पड़ी हुई है, ये एंटीबायोटिक है, और ये फेब्रोल बुखार की पड़ी हुई है, और ये ब्रोफिन भी पड़ी हुई है, और बेरीसेट ये भी इसके मैदे वगैरह की है, खांसी वगैरह की है, ये खांसी की है, ये एंटीबायोटिक है, ये बुखार की है, और ये भी कोई है मैदे वगैरह की, इसको जो है ना भी पिलाते हैं, आ जाओ। जो बुखार की और मैदे की है ना वो पिलाएंगे ना आपको? हाँ उल्टी वाली पिलाता हूँ ना आपको मैं। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ इधर 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 आ जाओ।
ये दवाइयों से बड़ा खुश होता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, खुश होना नहीं चाहिए वैसे इसको। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अरहम जो है ना आ गए हैं इस कमरे में, इस वाले कमरे में हमारे में। यहाँ पे जो है ना हम बैठ के खा रहे हैं खाना, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा खाना आया हुआ है। और यहाँ हमारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं जो मिट्टी के मैं लेके आया था वो वाले। तो अभी जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अरहम आ जाओ, ख्याल करो अरहम, उल्टा क्यों उठाया हुआ यार। वो गिलास भी ले जाओ ना, गिलास सीधा उठाया करो, जग क्यों इतना उल्टा किसने किया होगा इसको। ये क्या है, सेवैया सेवैया है जी इसके अंदर। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सब ने खाना है तो आप भी आ सकते हैं, ये मदद खाना खा सकते हैं। ये गुड़ क्यों ले आए हो फिर? चलो रोटी खानी, सालन खाओगे गुड़ खाओगे पहले? कोई हाल नहीं अरहम आपका, सालन नहीं खाना, सालन आपने ये नहीं खाना आपने, सालन तमीज सीखो, एक चीज पहले खाओ, या पहले ये खा लो फिर बाद में वो खा लेना। हाँ रख दो इसको साइड पे, मुझे दो, यहाँ पे रख दो इसको, उल्टे काम करता रहता है ये। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे सालन की लुक चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त लग रही है जी। चलो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरकात बिरकात ये नहीं पढ़ते बिरकात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ, ये सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहु, ये फिर बिस्मिल्लाह के साथ वबरकातहु पढ़ देता है। बिस्मिल्लाह के साथ ये नहीं पढ़ते, सलाम के साथ ये पढ़ते हैं, ठीक है। अजी अभी जो है ना बना रहे हैं चाय, तो मैंने ना आधा कप चाय पीनी है, आप पानी कम कर लो इसके अंदर ना। हाँ, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा बड़ी इलायची होती है ना वो आप डालिया करें चाय के अंदर, उससे जो है ना गरम गरम हो जाता है बंदा, और वैसे भी बड़ी इलायची जो है ना वो गरम है, सर्दियाँ बहुत ज्यादा है। आज मेरी टांगों में हड्डियों में दर्द था, कमर में दर्द था शदीद, तो मुझे लग रहा था कि मुझे सर्दी लगी हुई है। फिर मैं शहर गया तो वहां से मैंने यखनी की एक जो है ना वो प्याली पी, तब जाके मैं जिसे में ना वो ऐसे सुइयां चुभना शुरू हो गई। अभी इसलिए भाग गए थे? हाँ मैं यकीन करें बड़ा उस वक्त बेहोश था, आंखों में दर्द था शदीद मेरे, तो जब मैंने यखनी पी ना मेरी आंखों में से सेक निकलना शुरू हो गया, तो जब जाकर मेरा जिस्म जो है ना वो थोड़ा खुल गया, तो मैं परेशान हो गया था, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया मुझे अचानक से, मेरे को ठीक ठाक तो था है ना। हाँ तो अभी चाय बनाते हैं जी, अगर अगर आप सबने चाय पीनी है तो आप भी आ सकती हैं, मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चाय की हमारी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वो लुक है। अभी जो है ना पीते हैं, होए 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 माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और इलायची की जो खुशबू आ रही है ना बहुत ही कमाल की है जी। आप सबने पीनी है तो आप भी आ सकते हैं जी, पी सकते हैं। कैसी लगी आपको? अच्छी है। कितना अच्छी बनाई है मैंने चाय, है ना? हाँ ये मेरी मेहनत है, मेहनत है, दूध लेके आते हैं इतनी दूर से, ये भी सर काफी है मेहनत। चलो शुक्र है माना इसने कि इतना दूर से लेके आते हो। हाँ जी कैसी लगी हुए? अच्छी, बहुत बहुत अच्छी है। हाँ मुझे तो नहीं लगी अच्छी, मुझे लगी है आपको? हाँ। हाथ कहाँ पे सही है? अब हाथ जो जला जो वो चीर लगा था। हाँ ये देखें जी इसको चीर लगा है, क्यों नहीं देख रही आप? वो हो जाता है फिर, क्या वो हो जाता है? घुटना। हाँ आपसे तो वैसे भी तौबा है। हाँ ये टीवी के अंदर कोई डरावना वो देखे ना सीन, हाय 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 करना शुरू हो जाती है टीवी के अंदर, क्या आपको कहता है भाई खौफनाक सीन देख ले तो। हाँ ये अजीब सीन हो गया यार, पहले नहीं डरती थी अब दिल डर गया, पहले मैं खुद ही देखती थी ऐसी। अरे आपकी चीक्स देखें लाल हो गई, ऐसे क्यों होता है आपके साथ? तो बैठे थे ना धूप में, धूप में चूल्हे चूल्हे पे। चलें जी धुआं देखें कैसे निकल रहा है। हाँ वैसे भी आपके धूप में बैठो या भाव भाव आग पे बैठो ना आपकी ऐसे हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं चीक्स, ये देखो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे खून निकल रहा होगा।
वैसे भी अब डॉक्टरों के पास जाएं तो वो ताकत की दवाइयां दे देते हैं लगाओ। अच्छा नहीं आपके अभी ना आप मोटी ज्यादा होती जा रही हो, मैं कहता हूँ वॉक किया करो, मोटापा भी ज्यादा सही नहीं होता। ये खून वगैरह नहीं होता, सिर्फ वो होता है कहते हैं वो नहीं होती क्या चर्बी, चर्बी पता है ये नुकसानदेह होती है चर्बी। घर में वॉक कर लिया करो, अच्छा होता है और इंशाल्लाह ये फिर कमज़ोर हो जाएगी। वैसे कमज़ोर बंदा जो है वो हेल्दी भी रहता है। तो प्यारे बहन भाई इंशाल्लाह से हम वॉक करना शुरू करेंगे और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। मैंने अगली वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखेगा जी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।